हे एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। कल आप लोगों के कमेंट्स आए थे काफ़ी सारे बच्चों के, RGIPT कॉलेज के बारे में आपको सब कुछ जानना है, तो कल वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी बेटा। कल मॉर्निंग में मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा किसी भी कॉलेज का रिव्यू जानना है, या किसी भी कॉलेज की प्लेसमेंट कट ऑफ, या किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैम वो वीडियो लेकर के आ जाएगी। फिलहाल आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ, और एक अपडेट भी आप लोगों के लिए। देखिए, इस बार JEE एडवांस में 1.9 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, जो कि ऑन एन एवरेज पिछले काफी सारे सालों के कंपैरिजन से काफी ज्यादा है, ठीक है। यानी कि हमेशा 2.5 लाख बच्चे जो हैं JEE एडवांस निकालता है कि रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हर बार ऑन एन एवरेज 1.2 लाख के आसपास होता है, लेकिन इस बार 1.9 लाख है, यानी कि 1,90,000 स्टूडेंट्स ने इस बार JEE एडवांस के लिए रजिस्टर किया है। तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं, मैम इसका असर क्या कट ऑफ पे भी पड़ेगा, या कितना जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, तो वो मैं आपको डेफिनेटली बता देती हूँ। लेकिन ये जो मैं कट ऑफ आपको इस वीडियो में बता रही हूँ बेटा, ये सिर्फ 2022 के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि ये 2022 के बेसिस पे है। तो जो रैंक लिस्ट है, कॉमन रैंक लिस्ट जो CRL होती है आपकी, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार जाएगी 85 to 90, ठीक है। जो OBC की जाएगी वो जाएगी 70 to 75, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बेटा। जनरल कैटेगरी या EWS की जानी चाहिए 77 to 82, SC की जानी चाहिए 51 to 55, और ST की जानी चाहिए 40 to 45। JEE एडवांस की प्रिपरेशन के वक्त आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। पहली बात तो ये, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है बेटा। अगर आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। आपको सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है। काफी सारे बच्चे मुझसे इंस्टा पे पूछ रहे हैं कि मैम हमें केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो मैं इंस्टा पे आऊंगी बेटा लाइव, और मैं डेफिनेटली इस बारे में बहुत खुल के बात करूंगी, आपको कौन सा पोर्शन छोड़ना है और कौन सा पोर्शन बहुत ही अच्छे से करना है। प्रीवियस ईयर एनालिसिस पूरी मैं आपको करके दे रही हूँ, मुझे सिर्फ कल कल का टाइम चाहिए। परसों मैं लाइव आकर के आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। अब यहाँ पर देखिए, सब कुछ नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री की हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, कहाँ से कितने साल में कितने क्वेश्चन आए हुए, तो ये पोर्शन आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा या नहीं रहेगा, या छोड़ देना ही ठीक है। आपको सब कुछ नहीं करना है, सिलेक्शन से ज़्यादा मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा पोर्शन नहीं करना है। एग्जाम में भी आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि क्या आपको नहीं करना है, जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग जा सकती है, उसको आप अवॉइड करिएगा बेटा, क्योंकि एडवांस ऐसे नहीं होता है। एडवांस में अगर सही स्ट्रेटजी अपनाई जाए तो आप बहुत अच्छा जा सकते हो, लेकिन पेपर सॉल्विंग का तरीका होता है। और अपनी सीटिंग पे ध्यान दीजिए बेटा, लगातार 6 घंटे की सीटिंग आप करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उस वक्त पे आपको बहुत दिक्कत होगी फिर। और मॉक टेस्ट करिए तो 3-3 घंटे का सीटिंग अपना रखिए ही रखिए, कि आपका माइंड उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट ना हो। अभी से आप हैबिट डालेंगे तो ही उस वक्त पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर करना बेटा। ऑल द बेस्ट।